दोस्तों इस दिन इतने बजे से खेली जाएगी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 और वनडे सीरीज। भारतीय टीम में शामिल हुए 5 सबसे खतरनाक शेर खिलाड़ी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 और वनडे सीरीज कब खेली जाएगी, कितने बजे से खेली जाएगी, इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में कौन से 5 खतरनाक शेर खिलाड़ियों की वापसी हो गई है, पूरी खबर इस ब्रांड वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम को इसी साल अक्टूबर के महीने में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। उससे पहले दोस्तों भारतीय टीम एशिया कप भी खेलेगी और उससे पहले दोस्तों टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक T20 और वनडे सीरीज भी खेलने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों भारतीय टीम अभी फिलहाल में अब से कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की बेहतरीन टेस्ट सीरीज और 3 मैचों के बेहतरीन वनडे सीरीज खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों इस साल टीम इंडिया का शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। खास तौर पर टीम इंडिया का फोकस इस बार का वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर होगा और क्यों न हो दोस्तों भारतीय टीम इस बार वनडे वर्ल्ड कप के लिए जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि टीम इंडिया ने हालिया प्रदर्शन ही कुछ ऐसा किया है जहाँ दोस्तों ICC वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम फिलहाल नंबर 1 के स्थान पर मौजूद है। ऐसे में फिलहाल देखा जाए तो भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक के बाद एक कई सारे बेहतरीन सीरीज जीते हैं, जहां दोस्तों टीम इंडिया ने फिलहाल न्यूजीलैंड को 3-0 से बुरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। उससे पहले दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका को भी वनडे सीरीज में बुरी तरह से मात दी थी। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय टीम के गोल्डन डेज चल रहे हैं, सभी खिलाड़ी फॉर्म में भी हैं। ऐसे में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी शानदार दौरा करने वाली है। आखिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ कब यह खेले जाएंगे मुकाबले, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 5 जुलाई से होगी। वहीं दोस्तों यह टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के मैदानों पर खेली जाने वाली है। टेस्ट सीरीज के बाद दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया 3 मैचों की बेहतरीन वनडे सीरीज भी खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों यह वनडे सीरीज 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यह वनडे मुकाबले भी वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की बेहतरीन T20 सीरीज भी खेलने वाली है। इस T20 मैचेस की शुरुआत 1 अगस्त से होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह दौरा काफी बड़ा रहने वाला है, जिसमें टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करके तीनों ही फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर सकती है। इस बार का एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाने वाला है और एशिया कप से पहले भारतीय टीम की यह आखिरी वनडे सीरीज हो सकती है, जिसमें टीम इंडिया जबरदस्त प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है। भारतीय टीम के स्क्वाड में कई सारे दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जहां दोस्तों बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल जैसे धांसू ऑलराउंडर खेलते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट को संभालने का काम कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कई सारे दिग्गज खिलाड़ी वापसी करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह जैसे बेहतरीन गेंदबाजों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया धाकड़ स्क्वाड के साथ वेस्ट इंडीज को बुरी ही तरह से रोंद सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या इस बार के एशिया कप को जीत पाएगी, क्या वेस्ट इंडीज को धूल चटा पाएगी, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।